हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मंजुषा श्रीवास्तव फ्रॉम लाइफ ब्लिस। और आप लोगों को जैसे हमने एक बार प्रॉमिस किया था कि हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट आइडियाज बताएंगे, वो दिन आज आ गया है। आज हमारे साथ है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट मिसेस वैशाली भारद्वाज, जो हमको कुछ एकदम ईजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि जो बीमारियां 50 इयर्स के बाद हो रही थी लोगों में, वो आजकल बच्चों में देखने को मिल रही है। व्हाट इज़ द रीज़न? हो सकता है ओबेसिटी है, हो सकता है स्ट्रेस है, बट ऑल दोज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो बहुत बाद में के एज में आती थी, वो सारी अब जल्दी आने लगी हैं। एंड आई रियली होप कि अगर हमारी ये न्यूट्रिशनिस्ट हम लोगों को कुछ ईजी सिंपल टिप्स दे दें जो मॉम्स ईजिली फॉलो कर सके, तो मे बी आर किड्स विल स्टार्ट ईटिंग मोर हेल्दियर ऑप्शंस। हेलो वैशाली, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। आपसे तो सब लोग ये क्वेश्चंस बार बार पूछते ही होंगे, बट स्टिल टुडे वी आल्सो वांट टू नो द सेम थिंग, क्योंकि जितनी मदर्स हैं, इवन फादर्स, एवरीबॉडी इज रियली वरीड कि हमारे बच्चे आजकल घर का खाना खाने को मांगते ही नहीं है, सब कुछ उनको बाहर का अच्छा लगता है। सो इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू हमारे डाइट के प्रिपरेशंस में, या फिर हम जो चॉइसेस बनाते हैं बच्चों के लिए, उसमें अगर हम कुछ चेंजेस करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे घर का खाना थोड़ा प्रेफर करने लगे? एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विथ यू डॉक्टर मंजुषा। यहाँ पे सच में ये राइजिंग कंसर्न है आजकल, मैं बोलती हूँ कि बच्चों को पसंद नहीं है घर का खाना एंड दे आर एडिक्टेड। जो बाहर का खाना इजीली अवेलेबल है उसके ऊपर उनका पूरा ध्यान है। तो मैं आज आपसे सच में कुछ अच्छे टिप्स ऐसे शेयर करना चाहती हूँ, कुछ रेसिपीज। Oh, that is so nice, Vaishali. See, अगर आजकल के वर्किंग फीमेल्स को अगर ऐसी कोई रेसिपीज मिल जाए जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और इजिली बनाई जा सकती है, सो नथिंग लाइक इट। Vaishali, द बिजिएस्ट टाइम ऑफ द डे इज द मॉर्निंग्स, यहाँ सबको जाने की घाई होती है। तो ऐसे टाइम पे ब्रेकफास्ट में हम ऐसे कौन सी रेसिपीज बना सकते हैं जो हेल्दी भी हो सकती है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं? यस डॉक्टर मंजुषा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं इसके लिए आपको बहुत तीन इजी ऐसे क्विक रेसिपीज बताना चाहूंगी। एक है वेजिटेबल पराठा, जो आप रात को ही उसका डो बना के रख सकते हैं। यू कैन लाइक आपके चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल्स यू कैन पुट एंड नीड द डो एंड कीप इट। तो सुबह आपको रोटीज बनाने, पराठा बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें टाइम कंज्यूम होता है, आपको ऐसा लगता है, तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड के सैंडविचेस बना सकते हैं, वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हैं। नॉनवेज अगर कोई खाता है बच्चा, तो बॉइल्ड एग के स्लाइसेस डाल सकते हैं, तो दैट बिकम्स अ होल मील। अगर इतने में भी आपको लगता है किसी दिन बच्चा लेट उठा या हमारी में आँख नींद नहीं खुली है, तो हम इजी ऐसा ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, वो है फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर एक राजगीरा लड्डू और एक ग्लास ऑफ मिल्क, ये कंज्यूम करने से एक होल मील, एक अच्छा खासा सफिशेंट ऐसा ब्रेकफास्ट हो जाता है। That's so nice. आप समझ रहे हैं, अगर ये रेसिपीज हम बना रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट में, तो वी आर गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द प्रोटीन्स, द न्यूट्रिएंट्स, दैट मींस इट्स अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट। बट वैशाली, आई लाइक टू आस्क यू कि आजकल लोग कहते हैं कि फर्मेंटेड फूड्स आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर हैविंग इन ब्रेकफास्ट, सो इज इट रियली ट्रू? एब्सोल्युटली राइट, आपने जो बोला वो बहुत सही बोला। फर्मेंटेड फूड्स आर रियली वेरी हेल्दी। एक तो देखो, आप उसका डोसा बैटर पहले से ही बनता है, तो आप डोसा, इडली, उत्तपम कुछ भी बना सकते हैं। उसके बेनिफिट्स मतलब हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चों की, पूरे फैमिली मेंबर्स की, एंड प्लस अपना जो गट फ्लोरा है उसको भी स्ट्रांग करने में उसकी मदद होती है। दैट्स रियली ट्रू। एंड मैं आपको बताऊं कि बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि मेरे फ्रिज में माय मदर ऑलवेज यूज टू कीप थोड़ा सा तो बैटर डोसे का रहता ही था। हम चाहे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके गए हों, फिर भी शाम को जब हम स्कूल से वापस आते थे, उसमें थोड़ा सा मम्मी कांदा, टमाटर कुछ डाल के हमको उत्तपा वगैरह बना के दे देती थी। सो इट वॉज वेरी इजी फॉर हर टू मेक दोज थिंग्स फॉर अस। वो कैसा बैटर रेडी रहता है, तो आप लोग कभी भी कोई भी रेसिपी में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स ग्रेट वैशाली, आई थिंक वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट, बट नाउ यू नो व्हाट आई वांट टू आस्क, एंड आई थिंक एवरीबडी हैज दिस प्रॉब्लम, कि आजकल के जो बच्चे हैं, फॉर दैट मैटर से बच्चे ही नहीं, इवन हम लोग भी, बड़े लोग, हमको टिफिन में या फिर लंच के टाइम पे ऐसा कुछ चाहिए होता है जो यू नो जो ज्यादा मेसी नहीं हो, मतलब इजी टू एक्सेस, खाने में अच्छा लगे, और अगर सुबह बना भी है तो भी वो आफ्टरनून तक ऐसे खाने जैसा रहे भी। सो व्हाट कैन यू से अबाउट दैट? ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस तो हमने देख लिए, बट लंच आल्सो हैज टू बी इंटरेस्टिंग।
तो उसको कैसे बनाया जाए, है ना? अपने पास ऑप्शंस, हम लोग रोटी सब्जी बनाते हैं सुबह, तो बच्चों को क्या है वो बहुत मेसी हो जाता है खाना, तो वी कैन मेक एन ईजी एंड नाइस इंटरेस्टिंग रेसिपी। आप रोटी को ग्रीन कोरिएंडर चटनी लगा दीजिए एंड बीच में वो सब्जी डालिए, आप चाहे जो पसंद की सब्जी हो, मिक्स वेजिटेबल्स, राजमा की हो, छोले की हो, उसको ऐसे अच्छे से प्रॉपर अरेंज करेंगे, ऊपर थोड़ा सा ग्रेटिंग कुछ अच्छा से ओनियन या कोरिएंडर डाल के उसको रैप करेंगे तो वो बन जाता है फ्रैंकी। आई थिंक बच्चों को बहुत पसंद आता है। सही बात है, यू नो उनको ऐसे अट्रैक्टिव चीज़ें अच्छी लगती है, मतलब अगर वही रोटी सब्जी हम ऐसे फोल्ड करके अलग अलग डब्बे में देंगे तो मे बी दे विल नॉट लाइक इट, बट इफ यू मेक इट दिस इंटरेस्टिंग देन मे बी दे विल प्रेफर। ये तो अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सबसे मेरा ज्यादा फेवरेट है बीटरूट और स्पिनैच पराठा। ओह यस, आप बीटरूट को ग्रेट करके या स्पिनैच को बॉईल करके उसके पराठे बनाइए, तो आप चाहे जो स्टफिंग आप उसमें डाल सकते हैं, इवन यू कैन स्टफ इट विद द पनीर, तो ये आपका एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, पनीर ये पालक पराठा और बीटरूट पराठा। उसके साथ में आप टमेटो सॉस देने के बजाय अगर आप कर्ड देते हैं या वेरियस चटनीज, वी इंडियन फीमेल्स हम बहुत सारे चटनीज बना सकते हैं, तो आप अगर वो भी आदत डालेंगे तो हो सकता है बच्चों में ग्रेजुअली ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, तो ये चटनी और पराठा वो खाने में बहुत एंजॉय करेंगे। एंड आई टेल यू दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेसिपी विच मैम हैज टोल्ड। देखिए क्या होता है ना, आजकल के बच्चे इतने अनिमिक होते जा रहे हैं बिकॉज ना उनके डाइट के चॉइसेस राइट नहीं है, और अगर हम ये चीज़ें उनकी डाइट में इंक्लूड कर सके किसी ना किसी तरीके से तो मे बी इट विल हेल्प देम। या श्योर, वेरी राइट। ये सब तो अपनी जगह पर ठीक है, बट स्पेशली क्या होता है पता है ना, जब हम लोग ऑफिस से वापस जाते हैं या बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं, कॉलेज से वापस आते हैं थके हारे, तो यू नो वो ऐसा कुछ तो चटपटा, कुछ तो जंक खाने का मन करता है, उनका ही नहीं हमारा भी मन लल जाता है। सो ऐसे टाइम पे व्हाट विल यू सजेस्ट? यस, थके हारे आने के बाद में हमको ऐसा डिलीशियस माउथ वाटरिंग चटपटा खाने का मन करता है, तो ऐसे टाइम पे तो भेल याद आता है। वो बात है, हाँ यस। तो आप भेल बना सकते हैं, कुरमुरे है, सेव है, तो उसमें अगर आपने स्प्राउटेड चाट या फिर ये मूंग दाल या फिर आप मटकी बोलो या हरभरा चना है वो अगर मिक्स करके बच्चों को उसका चाट बना के दे या फिर उसके एक अलग टाइप का भेल बना के दे तो दे वुड एंजॉय इट, बड़े लोगों को भी पसंद आएगा, तो इट बिकम्स अ हेल्दी भेल बोल सकते हैं आप। राइट राइट। और क्या है ना कि ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे मूंग हो गई, मटकी हो गई या फिर लाल चने हो गए या छोले हो गए, ये चीज़ें ना अगर हम भिगा के अपने फ्रिज में रखे रहें, स्पेशली जो अंकुरित चीज़ें हैं, ये दिस आर रियली वेरी हेल्दी। एंड स्टार्टिंग में मे बी वी विल नॉट लाइक इट, बट अगर हम उसको और इंटरेस्टिंग बनाते चले गए कुछ और डाल के, तो हो सकता है कि ये भी हमको खाने में अच्छा लगने लगे एंड मे बी विल प्रेफर इट मोर ओवर द जंक समडे। बट यू नो वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू वैशाली इज, एंड आई एम रियली कंसर्न एंड वरीड अबाउट इट, इज कि बच्चों में आजकल ना चाइनीज का इतना क्रेज है कि मतलब कहीं भी आप उनको बोलो कि आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे एंड पट से आ जाता है कि कुछ तो चाइनीज मंगा लो, फ्राइड राइस चाहिए या कुछ भी चाहिए, मतलब समथिंग चाइनीज दे वांट टू ईट। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द सॉसेस और द मसालास और व्हाट दे प्रेफर, बट आजकल के बच्चों में चाइनीज का इतना क्रेज है ना, आई टेल यू रियली, यू नो इट इज रियली कंसर्निंग। करेक्ट करेक्ट। चाइनीज़ फ्राइड राइस आप बोलो, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। उसका एक हमारे पास बेटर ऑप्शन है, आप पनीर फ्राइड राइस बना के देखिए, जो भी राइस है उसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर डाल के, कुछ अपने इंडियन हर्ब्स वो डाल के और पनीर के क्यूब्स डालेंगे तो वो बहुत हेल्दी ऑप्शन बन सकता है। जैसे पनीर डालते हैं वैसे आप कोई भी नॉनवेज भी डाल के नॉनवेज फ्राइड राइस भी बन सकता है। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जो भी घर में बनता है वो बहुत हाइजीनिक और हेल्दी होता है, क्योंकि जो भी ऑयल हम यूज़ करते हैं वो वी नो इट्स ऑफ ए गुड क्वालिटी और बहुत अच्छे तरीके से बना जाता है, तो इट रियली बिकम्स वेरी हेल्दी डाइट। ये तो बात हो गई ब्रेकफास्ट, लंच एंड स्नैक्स, एंड नाउ लेट अस कम टू द डिनर। अब डिनर की बात आ गई, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। क्या होता है ये वही वक्त है जहाँ पे हम सब मिलकर खाना खा सकते हैं, एक माइंडफुल ईटिंग हम कर सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है जब भी आप खाना खाने बैठे तो आप ध्यान देकर उसका स्वाद लेकर अच्छे से च्यू करके खाना खाइए। जो भी खाना खा रहा है आपने उसको एनालाइज करना चाहिए कि जो भी मैं खा रही हूँ वो बहुत अच्छा और स्वादिष्ट है। ओके, यू रियली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियर। माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है कि जब भी आप कुछ भी खा रहे हो, चाहे वो एक फ्रूट ही क्यों ना हो या फिर एक मील ही क्यों ना हो, विदाउट सीइंग द टीवी, विदाउट डूइंग समथिंग ऑन योर मोबाइल या कुछ और सोचे बिना, जब आप एक एक मॉर्सल को अच्छे से
टेकिंग द टाइम टू टेस्ट टू सी टू फील द फूड. जब हम इस तरीके से खाना खाते हैं तो दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग. एंड दैट फूड दैट वी टेक इनसाइड, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, उसकी जो हेल्दी, उसकी जो चीज़ें हैं, वो सारी फिर हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होती है. यस, एब्सोल्युटली राइट. अब आते हैं डिनर की तरफ, मतलब डिनर कैसा होना चाहिए. तो क्वांटिटी शुड बी लेस, बट किसकी क्वांटिटी. जैसे आप राइस कम लीजिए लेकिन इंक्लूड द फाइबर मटेरियल, यानी आप दाल लीजिए, सैलड्स लीजिए, बटर मिल्क ले सकते हैं. दाल कैन बी प्रिपेयर्ड इन वेरियस वेज. आप चाहे तो सिंगल मूंग दाल बना सकते हैं या फिर पंचरत्न दाल बना सकते हैं. ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे है. हम शांति से बैठ कर सब मिलकर खाना खाते, तो यू शुड एंजॉय वॉट एवर यू आर हैविंग. तो इट शुड बी न्यूट्रिशियस ऑल्सो. जब आप फाइबर इंक्लूड करते हैं तो आपका डाइजेशन जो होता है रात भर, वो भी बहुत अच्छे तरीके से होता है. That's really true, because you know what happens, कि ये एक ऐसा मील होता है जब सब फैमिली मेम्बर्स या तो साथ में बैठते हैं या तो थके हारे आने के बाद, दैट इज़ वन मील जिसको हम रियली खाने के जैसा बैठ के खा सकते हैं. बट आई टेल यू वट एवर यू आर सेइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट वैशाली, क्योंकि क्या होता है ना, हम रात के मील को, क्योंकि हम आराम से बैठ के खा सकते हैं, हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं, विच इज़ रियली रॉन्ग. वट यू सेट इज़ एब्सोल्युटली राइट. द क्वान्टिटी ऑफ द मील, हमको हमारे पोर्शन साइजेस पे कंट्रोल होना चाहिए. देर आर सो मेनी ऑप्शन दैट वी कैन हैव इन डिनर, पर अगर हम उसकी पोर्शन साइज को अगर कंट्रोल कर सके तो देर इज़ नथिंग लाइक इट. ये तो मैंने सारी रेसिपीज जो बताई हैं, ये इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की है, जो रेसिपीज हेल्दी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस, ये सब आपके लाइफस्टाइल में, जब हमको खुद को रोल मॉडल बनना है, यू योरसेल्फ हैव टू टेक द चार्ज. मतलब आपने अगर फॉलो किया तो आपके बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे. थोड़ा रेजिस्टेंस तो आएगा ही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हैबिट उनमें इनकलकेट हो जाएगा एंड ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो गोइंग टू फॉलो यू. That's really true. क्या होता है ना कि जैसे बच्चे बड़ों को देखते हैं करते हुए, वो knowingly unknowingly उस चीज़ को धीरे धीरे accept करने लगते हैं. See, आजकल बाहर इतना exposure है, इतनी चीज़ें इतनी easily available है, तो उनका मन मचलना एक आसान सी बात है, सही बात है. लेकिन हमको उनको थोड़ा सी ढील देनी है, थोड़ा छोड़ना है, थोड़ी ढील देनी है, थोड़ा छोड़ना, यू नो, वी हैव टू मेक देयर डाइट, देयर मील्स इंटरेस्टिंग फॉर देम एज वेल एज हेल्दी फॉर देम. थैंक यू वैशाली सो मच फॉर कमिंग हियर एंड टेलिंग आवर ऑडियंस कि हम क्या क्या कर सकते हैं हमारी डाइट में, ताकि हमारे बच्चे बाहर का कम और घर का ज़्यादा खाना लगे. थैंक यू सो मच वैशाली. Thanks Dr. Manjusha for calling me here, and it was really, I feel very blessed and happy to share my, express my opinions. क्या होता है, बहुत दिन से मुझे ऐसी मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं ऑडियंस को बताऊं कि what all healthy चीज़ें हम बच्चों को खिला सकते हैं, हमारी फैमिली को भी खिला सकते हैं. थैंक यू सो मच. ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आपको ईजिली अवेलेबल है YouTube पे या किसी भी, और इस पर आप अगर जाएंगे तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर अवेलेबल, यू हैव टू पिक एंड चूज. और हम लोग कुछ रेसिपीज़ हमारी लिंक में भी आपको दे देंगे. सो ईट हेल्दी.